वेलकम टू विवेक पाठशाला गाइज। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर सेकंड क्लास 11th फिजिक्स। तो गाइज इससे पहला जो लेक्चर था हमारा वो था यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बात की थी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज यूनिट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो गाइज आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें गाइज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो गाइज अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है। तो गाइज बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की या फंडामेंटल यूनिट्स की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी डिपेंड करती है 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। तो गाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। नोट ऑन अदर्स आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं और दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है और इनकी यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है जिस पे ये डिपेंड करती है? तो गाइज ये है हमारी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो गाइज ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ये हमारी 7 होती हैं। तो गाइज हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो केवल इन 7 पर डिपेंड करती हैं और किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और इनकी जो यूनिट होती है, इनकी जो यूनिट होती है वो कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स। तो गाइज दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन 7, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल 7 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती है और इनकी जो यूनिट होती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। तो गाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम दूसरा नाम भी देते हैं। तो गाइज दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो गाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं और इनकी जो यूनिट होती है उसको बेस यूनिट्स कहते हैं। तो गाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है हमारी वो 7 होती है, इसके साथ में 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो गाइज 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं और 7 हमारी बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो गाइज व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है और इनकी यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। तो गाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं तो 7 होती हैं, इनका दूसरा नाम बेस क्वांटिटी और इनकी यूनिट बेस यूनिट कहलाती है। तो गाइज ये 7 हमारी कौन कौन सी होती है? तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो गाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो गाइज ये हमारी 7 होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 होती है। तो गाइज यही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। एक आपको स्टार बना के पॉइंट लिखना है कि दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो इनकी यूनिट बेस यूनिट और ऐसी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी कहलाती है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी होती है। अब बात करते हैं कि गाइज ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी नेम ऑफ यूनिट और सिंबल कौन कौन से हमारे होते हैं। तो गाइज 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। तो गाइज ये जो है हमारी, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट। तो गाइज एक पार्ट पे लिखना है फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड बॉक्स में लिखना है नेम ऑफ यूनिट और थर्ड में लिखना है सिंबल। तो गाइज सबसे पहले है हमारा मास, उसके बाद लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पहले आप अपनी फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को याद कर लें। सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो गाइज अगेन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद में है गाइज इनकी नेम ऑफ यूनिट की यूनिट का क्या नाम है। तो गाइज सबसे पहले है हमारा मास, और मास की जो यूनिट होती है वो होती है
किलोग्राम, तो गाइस इसका सिंबल होता है केजी, छोटा के और छोटा जी। इसके बाद है गाइस सेकंड हमारी लेंथ, तो इसकी यूनिट होती है मीटर, जिसको सिंबल लिखते हैं छोटा एम। गाइस टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको लिखते हैं स्मॉल एस से। इसके बाद है गाइस हमारा टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन, जिसको लिखते हैं कैपिटल के से। इसके बाद है गाइस हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको लिखते हैं कैपिटल ए से। इसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसको लिखते हैं सी डी। इसके बाद है गाइस हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल, और इसको लिखते हैं एम ओ एल, मोल। तो गाइस हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट, जो कि हमारी सेवन होती है। इसके बाद गाइस हमारी दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद में हम लिखने वाले हैं कि आखिर हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है। तो गाइस सेवन हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स। तो गाइस दो होती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो गाइस सप्लीमेंट्री यूनिट हमारी दो होती है। तो गाइस सबसे पहले बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो कि हमारी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इनकी यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो गाइस प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसको लिखते हैं सिंबल की फॉर्म में आर ए डी। इसके बाद है सेकेंड गाइस हमारी सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और गाइस इसको डिनोट करते हैं सिंबल की फॉर्म में एस आर। तो गाइस दो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, कौन कौन सी, रेडियन और स्टेरेडियन। और गाइस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है हमारी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। गाइस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो कि हमारी सप्लीमेंट्री होती है, तो गाइस यूनिट की बात करें तो प्लेन एंगल की होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। बात करें सिंबल की, तो इसका सिंबल होता है आर ए डी, और गाइस स्टेरेडियन का होता है हमारा एस आर। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक कि फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, हमने बात की। तो गाइज इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।